Children, we have learned about principle of movement, and in the last class we have done an experiment in which we were finding the center of gravity of the given scale. Today we will perform an experiment in which we will prove the principle of movement, that when the scale is in equilibrium, clockwise movement is equal to anti-clockwise movement. For that we need a scale, different weights and a vertical stand. First, I suspended this scale with the help of a vertical stand, and then I balanced this scale at a point which is center of gravity of this scale, and now this point will remain fixed in this experiment. After that, I will suspend a weight at some point, say at the right side of the scale. जैसे ही हम right side में एक weight suspend करेंगे, इसका equilibrium disturb हो जाएगा, और इस side में weight suspend करेंगे, तो इस side पे torque बढ़ जाएगा, और ये जो left hand side का torque right hand side के यानी clockwise torque anti clockwise torque के बराबर है इस समय, वो equilibrium disturb हो जाएगा. तो उस इक्विलिब्रियम को वापस से मेंटेन करने के लिए हमने जैसे राइट साइड में एक वेट सस्पेंड किया है, ऐसे ही हम लेफ्ट साइड में भी एक वेट सस्पेंड करेंगे और उस वेट की पोजीशन को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट दिस साइड शुड बी इक्वल टू वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट दिस साइड. जब इधर का क्लॉकवाइज टॉर्क इधर के एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाएगा, तो ये स्केल वापस से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. तो सबसे पहले हम राइट साइड में किसी एक पोजीशन पर एक वेट सस्पेंड करते हैं, और हम 20 ग्राम का वेट ले रहे हैं. ये 20 ग्राम का वेट हम राइट साइड में सस्पेंड कर रहे हैं, और तुम देखो कि जो इक्विलिब्रियम इस समय मेंटेन्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ये देखो, मैंने 5 सेंटीमीटर की पोजीशन पर 20 ग्राम का ये वेट सस्पेंड किया, और उससे ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है. तो अब हम लेफ्ट साइड में 20 ग्राम का ही वेट और लेंगे, और उसको सस्पेंड करके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पर राइट साइड में तो मैंने 5 सेंटीमीटर का पोजीशन सेलेक्ट किया, लेकिन लेफ्ट साइड में देखो, मैं इसको डिफरेंट पोजीशंस पर ले जाकर देखूंगी कि कब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है. अभी भी ये साइड में टिल्टेड है स्केल, इसका मतलब इस साइड का टॉर्क यानी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क से ज़्यादा है, तभी ये स्केल इधर की ओर टिल्टेड है और एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश कर रही है. तो इसको अगर मुझे कम करना है तो मुझे ये डिस्टेंस कम करनी होगी जिससे कि टॉर्क कम हो जाए. ये चीज़ें भी गौर से सीखने वाली हैं जो न्यूमेरिकल करते समय हमें काम आएंगी. हम इस साइड की डिस्टेंस कम कर रहे हैं जिससे फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही तो टॉर्क देगा, वो कम हो और ये स्केल बैलेंस हो जाए. अब ध्यान से देखो, इस तरफ हल्का सा टिल्टेड है स्केल, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस क्लॉकवाइज टॉर्क अभी ज्यादा है, और इधर से जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है वो थोड़ा सा कम है. तो ये 20 ग्राम का वेट सस्पेंड किया है, अगर हमें इस साइड में टॉर्क बढ़ाना है तो हम इसकी पोजीशन को हल्का सा, देखो बहुत थोड़े से डिस्प्लेसमेंट की एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, इस वेट को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके ये डिस्टेंस बढ़ा दें, तो ये जो टॉर्क हल्का सा कम है वो इसके इक्वल हो जाएगा. तो बहुत ही पेशेंस के साथ बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे हम इस पॉइंट को,
और अब ऑब्जर्व करेंगे हम स्केल की पोजीशन को और हम कह सकते हैं कि अब स्केल बैलेंस्ड है। तो अब हम 20 ग्राम वेट की पोजीशन को यहाँ और 20 ग्राम वेट की पोजीशन को यहाँ ऑब्जर्व करेंगे और फिर अपनी कॉपी में नोट करेंगे इसकी पोजीशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की पोजीशन और इसकी पोजीशन। तो चलो अब हम रीडिंग नोट करते हैं। इस 20 ग्राम वेट को हमने ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर की पोजीशन पे रखा था। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसा है या नहीं। तो ये देखो, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर मार्क। ये 4.5 है और ये 5 सेंटीमीटर मार्क। तो 20 ग्राम का वेट 5 सेंटीमीटर पर है ऑन द राइट साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वही 10.6 सेंटीमीटर पर है। और अब हमें उस 20 ग्राम वेट की पोजीशन नोट करनी है। तो इसको देखते हैं बेटा। ये देखो 15 सेंटीमीटर है ये। मैं इसको होल्ड कर लूँ। ये 14, 15, 16 और 16.1, 16.2। तो ये 20 ग्राम वेट 16.2 सेंटीमीटर की पोजीशन पर है। तो उधर वो 5 पर है और इधर ये 16.2 पर और ये 10.6। अब हम ये रीडिंग्स नोट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर होगा, फिर ऑब्जेक्ट टू प्रूव प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, देन एपरेटस वर्टिकल स्टैंड, देन वी हैव 20 ग्राम्स टू वेट एंड 150 ग्राम वेट, देन ऑब्जर्वेशन टेबल। फर्स्ट वी विल राइट पोजीशन वेयर स्केल इज बैलेंस्ड, दैट इज 10.6 सेंटीमीटर। Then we will write the weight suspended on left side, its position, और उसके बाद इसकी position को इस balanced point से subtract करके perpendicular distance between point of rotation and this position वो हम निकालेंगे और फिर torque calculate करेंगे weight into perpendicular distance। इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ देखो, ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये है वो पोजीशन जहाँ पर हमने वेट सस्पेंड किया है और हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो अगर जीरो स्केल का इधर है, जैसा कि हमारे केस में है, तो हम ऑब्वियसली ये पोजीशन बड़ी होगी इससे। तो इस पोजीशन में से ये पोजीशन माइनस करेंगे तो डी परपेंडिकुलर मिल जाएगा और इस पोजीशन में से ये पोजीशन माइनस करेंगे तो डी परपेंडिकुलर डैश मिल जाएगा और फिर हम दोनों टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग फिल कर देते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो देखो, हमने रीडिंग नोट कर ली है, 10.6 सेंटीमीटर है वेयर स्केल इज बैलेंस्ड, 20 ग्राम इट इज, द स्केल इज बैलेंस्ड व्हेन 20 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड एट 16.2 सेंटीमीटर। 16.2 सेंटीमीटर से मैंने जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को माइनस किया इसकी पोजीशन को, तो जो डी परपेंडिकुलर आई वो 5.6 सेंटीमीटर आई है। यहां पर यूनिट जरूर लिखनी है, यूनिट नहीं भूलनी है। ऑब्जर्वेशन टेबल में यूनिट भूलने पर बोर्ड में तुरंत मार्क्स कटते हैं। इसके बाद हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। अभी जो राइट साइड में 20 ग्राम था उसको हमने 5 सेंटीमीटर पे रखा था। यहां आपको ध्यान देना है, मीटर स्केल से जो भी रीडिंग लेते हैं वो डेसिमल के एक प्लेस तक लिखते हैं, तो 5 नहीं लिखकर 5.0 सेंटीमीटर लिखा है। अब इस पोजीशन में से 5.0 की पोजीशन को माइनस करेंगे तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी पॉइंट ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच की, जो 5.6 आ रही है। तो कैलकुलेट तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम देख सकते हैं कि 20 ग्राम है और डी परपेंडिकुलर 5.6, यहां भी 20 ग्राम है और एग्जैक्टली डी परपेंडिकुलर 5.6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ऑब्वियसली इनकी जो प्रोडक्ट है, जो टॉर्क है, वो इक्वल आएगा।
तो इस रीडिंग में तो हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को बिल्कुल ट्रू पा रहे हैं। अब हम 20 ग्राम के पोजीशन को यहाँ 5 से बदलकर कोई और पोजीशन कर देंगे और फिर से इस 20 ग्राम के वेट को शिफ्ट करके स्केल को बैलेंस करेंगे। अब हम इस राइट साइड वाले 20 ग्राम की पोजीशन को चेंज करके 8 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब फिर से देखो बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि डी परपेंडिकुलर कम हो गया तो ये चीज फील करने वाली है कि डी परपेंडिकुलर कम हुआ तो इधर का टॉर्क कम हो गया। और देखो स्केल राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रही है, क्योंकि ये टॉर्क ज्यादा है क्योंकि इसका डी परपेंडिकुलर ज्यादा है, जबकि दोनों साइड में 20 ग्राम वेट लगा हुआ है। तो अब हम लोग लेफ्ट साइड वाले वेट को शिफ्ट करेंगे सच दैट वी गेट द स्केल इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अभी भी लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज़्यादा है, तो हमको थोड़ा सा पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके और बैलेंसिंग को चेक करना होगा। कैन यू सी दैट द स्केल इज बैलेंस्ड नाउ? सो दिस इज अगेन द टाइम वी हैव टू टेक द रीडिंग। सो आई एम टेकिंग द कैमरा ओवर द स्केल। तो चलो अब रीडिंग लेते हैं। देखो ये तो 8 सेंटीमीटर पर, दिस इज 7, सो दिस इज, यू कैन सी दिस इज 8 सेंटीमीटर, राइट? तो पोजीशन ऑफ राइट साइड 20 ग्राम वेट इज 8 सेंटीमीटर एंड नाउ, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अभी भी 10.6, उसको हमने चेंज नहीं किया है। और यहाँ पर देखो ये 13.2 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो 13.2 सेंटीमीटर पे ये स्केल बैलेंस हुई है जब हमने 20 ग्राम को 13.2 पे रखा है। तो 10.6 और 13.2, यस, स्केल इज बैलेंस। सो लेट अस राइट आवर रीडिंग अगेन। तो ये हो गया हमारा 20 ग्राम। वंस अगेन दिस इज माय सेकेंड रीडिंग एंड वी आर हैविंग हियर 13.2 सेंटीमीटर पोजीशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड 20 ग्राम वेट, राइट? एंड देन वी विल फाइंड 13.2 माइनस 10.6। See, I have written 20 gram at position 13.2, then 13.2 minus point of suspension is 2.6. After that, right hand side 20 gram at position 8 centimeter. Just observe that I have written 8.0, not simple 8. Then 10.6 minus 8 is 2.6. And when we multiply force with the perpendicular distance, the two torques are same. So again we proved that if a scale is balanced, clockwise torque is equal to anti-clockwise torque. Now we will perform the same experiment. This time we will take 50 gram weight and put the 50 gram weight at some position, and then we will balance 20 gram weight on left side so that the scale is horizontal. This time we will change these two weights. Now this time I place 20 gram at 5 centimeter position again, and this side I am going to place 50 gram weight to balance it. Now since 50 gram weight is heavier than 20 gram, so this D perpendicular should be smaller than this one, so that force into D perpendicular
कैन बैलेंस फोर्स इनटू डीप परपेंडिकुलर हेयर। तो अब हम इस 50 ग्राम के वेट को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के पास ले जाएंगे और चेक करेंगे। अभी भी ये टॉर्क ज़्यादा है, तो अभी भी इसको हमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के और पास ले जाना होगा। नाउ स्टिल दिस इज बिकॉज 50 ग्राम इज मच हैवियर देन 20 ग्राम। अब देखो, अब ये साइड टिल्ट करने लगी, इसका मतलब इसको थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट करना होगा, जिससे डी परपेंडिकुलर इतनी हो कि इस फोर्स का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट राइट साइड के क्लॉकवाइज मूवमेंट को इक्वेट कर सके। एंड यू कैन सी दैट नाउ द टू टॉक्स आर इक्वल एंड द स्केल इज हॉरिजॉन्टल। सो वी हैव टू अगेन टेक द रीडिंग ऑफ पोजिशन ऑफ 50 ग्राम बिकॉज 20 ग्राम वेट वी हैव ऑलरेडी प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर। राइट, सो लेट अस टेक द रीडिंग्स। नाउ ऑब्जर्व दिस 20 ग्राम वेट इज ऑलरेडी एट 5 सेंटीमीटर। Point of suspension is 10.6 centimeter. Then this is the 50 gram weight is, see, this is 12. This is 12. This is 12.5, 12.6, 12.7 and 12.8. See, this is 12 centimeter line. This is 12 centimeter line. This one, this is 12.5, 12.6, 12.7, 12.8. So this 50 gram weight is actually at 12.8 centimeter position. So now it's time to write our readings. See, I have written 50 gram. It is placed 12.8 centimeter. So 12.8 minus 10.6. Then it is 2.2 perpendicular distance. So this multiplication will give you 11. Then 20 gram is at 5 centimeter mark. 10.6 minus 5 centimeter, that is 5.6. So this multiplication will give you 112. So here it's little difference, which is in the limit of permissible error. So these three readings are giving us conclusion that when the scale is balanced, anti-clockwise torque is equal to clockwise torque. So we are going to write the result. So we will write observing the three different readings. We are getting the conclusion that under the limit of allowed error, clockwise torque is equal to anti-clockwise torque when scale is balanced. We have to mention here when scale is in equilibrium, then under the limit of allowed error, clockwise torque is equal to anti-clockwise torque. Hence, law of moments is proved. So this is our experiment. Format you already have. That first you will have object, then apparatus, then observation table with proper units. Either you write your units here or you write in front of each reading. The reading which you are taking from meter scale should be up to first decimal place. Torque ki unit newton meter hoti hai. To is tarike se hum logon ne is experiment ke through actually
न्यूमेरिकल्स को करने के लिए भी एक अच्छी समझ डेवलप कर ली है और अब हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।